तो भाई आज की दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी हुई है, मतलब थोड़ी बहुत ही जल्दी। सुबह के बजे 5 तो सवेरे उठ के चाय वाय पी के हम निकले आज के अपने सफर पे। और देखो अंधेरा भी कायम है बिल्कुल अपने हौसलों जैसा। अरे अरे अरे, कहीं अपन व्लॉग का इंट्रो भूल तो नहीं गए? कोई बात नहीं, इंट्रो अभी कर लेते हैं। तो भाई मेरा नाम है सागर और मैं एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो बात ऐसी है कि आज हम निकले और एक शॉर्ट ट्रिप पे, जहाँ हम करने वाले एक ट्रैक। जी हाँ, नागपुर के पास भी ट्रैक करने वाली जगह है। तो जहाँ हम जा रहे उस जगह का नाम है सालबाड़ी, और सुना है यहाँ पे एक भगवान भोले की गुफा है जिसे शिवधाम गुफा या फिर महादेव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और भाई यहाँ के नज़ारे तो बस। बस यही आज का मोटिवेशन था इतने सवेरे उठ के निकलने का। तो चलो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ये जगह, है ना। वैसे हमें यहाँ सनराइज विटनेस करना था, पर वो कहते हैं ना, नसीब से ज्यादा और टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो बस यूं समझ लीजिए आज अपना समय नहीं था। गांव के नजदीक पहुंचते पहुंचते गूगल मैप्स ने रास्ता दिखाना बंद कर दिया। तो सोचा किसी लोकल से ही पूछ लेते हैं। मंदिर दादा रास्ता कुटा है। फिर इन भाई साहब ने बस हाथों के इशारों से हमें पूरा रास्ता समझा दिया। और फाइनली एक डेढ़ घंटे के ड्राइव के बाद हम बेस पे पहुंच गए। तो भाई मैप ने हमें गांव में तो लाके छोड़ दिया है, जहाँ से हमें रास्ता तो मिल गया। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि दोनों साइड में दुकान है जो अभी बंद है, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग आ चुके और शायद ये सीज़न नहीं है। लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है। मैं ये होप कर रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छा खासा कुछ देखने को मिलेगा हमें, और बाकी आपको दिखाएंगे हम लोग। ट्रैक के एकदम शुरुआत में आपको बहुत ही सीनिक व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा, साथ ही में कुछ भगवान की मूर्तियाँ। सो वी आर अबाउट टू स्टार्ट दी ट्रैक। अभी अभी शुरू किया और शुरुआत में ही जो नज़ारे मिले बहुत ही तगड़े हैं, और ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी तो बस ट्रैक शुरू ही हुआ था एंड थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस। अब आप पूछोगे कैसे, और मेरा जवाब है कुछ ऐसा। एवरीथिंग टर्न सो सिनेमैटिक, कुछ समय के लिए मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कोई सुंदर जगह भी है अपने एरिया में। फिर लगा वो भी क्यों ना, यही तो खासियत है ना सातपुड़ा माउंटेन रेंजेस की। ये पूरा व्यू है और इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना, ऊपर से देखने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। आई एम रियली हैप्पी, मैंने पहली बार अपने साइड में इतनी सही जगह देखी है। अच्छी जगह अजून कुछ आएगा? पचमढ़ी जो लास्ट ईयर हमने किया था, देखो ना यार कितना सही लग रहा है। पूरे पत्थर यहाँ पे है ना, मज़ेदार। ये ब्रिज के दोनों साइड की अलग अलग नदियाँ आके मिलती है इस ब्रिज के नीचे, एंड दे यूनाइटेडली फॉर्म दिस रिवर। बाकी रास्तों में ऐसे कई सारे शॉप्स मिलेंगे। तो अभी अभी जैसे मेरे को पता चला है, जो ट्रैक है वो पूरा महाराष्ट्र के अंदर है, और जो मंदिर है वो सिर्फ MP के अंदर आता है। फनी, लेकिन ऐसा ही है। देखो यार बहुत सी जगह आई है ऑन द वे, और एक सुंदर जगह आई एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट वी कुडंट रेजिस्ट टू स्टॉप हियर फॉर सम टाइम। Then we stopped at a stall to have some snacks and गन्ने का जूस। तो यहाँ से दो रास्ते हैं, कोई भी एक लेके जा सकते हो। नीचे से अभी तक सीढ़ियाँ ही बनी हुई हैं, हम सीढ़ियाँ नहीं ले रहे क्योंकि वो अनइवन है और जिसकी वजह से थक जा रहे हैं। थोड़ी देर तक लिया, लेकिन अभी ऐसे सोचा है कि जो अपना साधा रास्ता है वहीं से जाएंगे जो साइड में बना हुआ है, बाकी जिनको सीढ़ियाँ जाना है वो जा सकता है। सांसें तो फूलती है भाई। समय ठंडी का पहन के आए थे, अभी पूरा भीग गया अंदर से। ये तो होने ही वाला है।
तो यहाँ पे एक मंदिर टाइप कुछ दिख रहा है, अभी तक हम ऊपर पहुंचे नहीं है। ये ऐसा कुछ बना है, पूरा ये पहाड़ के अंदर काव करके बनाया हुआ मंदिर है चित्रछाया माता का। 3.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम पहुंचे टॉप पे जहाँ गुफा है। बट एट द सेम टाइम वी ऑल वर मेस्मराइज टू सी द ग्रीनरी अराउंड, लिटरली दिस मंदिर इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय सह्याद्री माउंटेन रेंजेस। ये सारी ब्यूटी को एडमायर करते करते हम गए गुफा में। तो ये है गुफा, चलते। मुझे मी एक्सपेक्ट ना होता के लिए उड़ी मोटी गुफा असल मनु। तो आपने अभी देखा हम लोग एक डायरेक्शन से आए और मंदिर से जाने के लिए हमें दूसरा एक रास्ता लेना पड़ता है जो कि कुछ ऐसा है। तो इसमें काफी जगह है यार, तो अभी जाने का टाइम हो गया है। गुफा से भगवान शिव जी का दर्शन लेके हम निकले बाहर इन आगे वाली सीढ़ियों से। तो वी आर अबाउट टू लीव दिस प्लेस। गुफा हो गया देख के, अच्छा खासा ट्रैक रहा, थोड़ी देर टाइम पास किया और टाइम पास करने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं। फॉर नाउ दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप यू गाइज मस्ट हैव लाइक इट। और आप अगर यहाँ पे नागपुर के आजू बाजू में हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ज़्यादा दूर है नहीं, जगह अच्छी है, यू कैन स्पेंड आराम से 4-5 घंटे। फैमिली के साथ आते हो तो थोड़ा ज़्यादा देर भी रुक सकते हो। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। जमन करे बाबा।